भारतीय किसान यूनियन ने बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता के रवैये पर नाराजगी प्रकट करते हुए उनके खिलाफ जल्द आंदोलन करने की चेतावनी दी है। वहीं जनपद रामपुर में भाकियू टिकैत गुट की पंचायत विकास भवन के गेट स्थित कार्यालय पर चल रही थी। इस दौरान कुछ किसानों ने बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता के रवैये खराब बताए, कहा कि उनके कार्यालय में किसानों को सीधे प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, कई जगह एंट्री करानी पड़ती है, ऑफिस का गेट बंद रहता है, इसलिए किसान अपनी समस्या नहीं बता पाते हैं। जिला अध्यक्ष हसीब अहमद ने चेतावनी दी कि अगर किसानों को सीधे मिलने से रोका गया तो आंदोलन किया जाएगा। कहा कि जिले के अधिकतर अधिकारियों का रवैया ठीक नहीं है, आवास भवन हो या दूसरे अधिकारियों के कार्यालय, सभी के गेट बंद रहते हैं या फिर उन्होंने पर्दे डाल लिए हैं। ऐसे में कोई भी समस्या लेकर जाने वाला आम आदमी या किसान उनसे नहीं मिल पाता है। सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि इस मामले की शिकायत जिलाधिकारी से की जाएगी। उन्हें अवगत कराने के बावजूद अधिकारियों के रवैये में सुधार नहीं आता तो भारतीय किसान यूनियन आंदोलन करने को बाध्य होगा। मीटिंग का मतलब है जो बिजली विभाग की सबसे ज्यादा समस्या है किसानों की, घरेलू भी और उनके अपने निजी नलकूपों की जुड़ी हुई समस्या है। किसान जिले में आता है, उससे अफसर मिलते नहीं और अफसरों ने अपने यहाँ दरवाजे बंद कर रखे और पर्दा डाल रखा है। जैसे बहुत बड़े माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और उनसे अपॉइंटमेंट मिले लोगों के, तब मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो कई किसान आज बिजली विभाग से वापस आए और वहाँ के अफसरों ने उनसे मिलने मना कर दिया, तो इसी पे एक समस्या है और ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। अगर किसानों को, अगर वो घर से आता है और अगर उससे आप मिलोगे नहीं तो उसकी समस्या कैसे हल होगी, वो किसके पास जाए? वो हर समस्या को लेकर डीएम साहब के पास नहीं जा सकता ना, जिस विभाग की समस्या है उस विभाग को जाना पड़ेगा। तो हमने एक रणनीति बनाई है ऐसे अफसरों की, जो ऐसे तानाशाह अफसर हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा अफसर समझ रहे हैं, लोक सेवक ना समझ के अपने आप को मतलब कोई मिनिस्टर या मुख्यमंत्री समझ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को, ऐसे अफसरों को हम रोड पर लाने का काम करेंगे और इन्हें बताएंगे इनकी औकात क्या है। देखो ऐसी है, रामपुर के जनपद के ऐसी हैं जो बिजली विभाग के हैं और अपने नहर विभाग के हैं, दो देखो तीन चीजें किसानों की है जो मांग है, बिजली, पानी, खाद और गन्ने का पेमेंट। ये चार चीजें ऐसी हैं जो किसानों को हमेशा टाइम से मिलना चाहिए। आज था टाइम है, आज 15 तारीख है कि नहरों में पानी सुचारू रूप से चला दिया जाएगा, नहरों की अभी तक 15 तारीख है सफाई नहीं हो पाई। बिजली का मतलब है बिजली मिल नहीं पाती, बिजली का बिल जाता है, मीटर लगा दिए, किसान तराई तराई है तो सिंचाई कैसे करें। घरेलू कनेक्शन है, सब प्राइवेट कंपनियों को दे रखा है, जो प्राइवेट लोग हैं वो सीधे सीधे कस्टमर से जोड़ दिए, वो बिलों को एरा फेरी करके किसानों का खून पी रहे हैं और यहाँ जिले पे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई अपनी बात कहने आ रहा है तो रोड पे बैठ कर दरी बिछाना पड़ती है उसे, तब ये घरों में से निकलते हैं। तो ऐसे अफसरों को हम रोड पे लाने का काम करेंगे, ये किसान कान पकड़ के रोड पे लाने का काम करेगा। आज मीटिंग करिए, किसानों की शिकायतें आई उस शिकायतों को सारा लिख के और डीएम साहब को अवगत कराया जाएगा। इनकी पहले अफसरों की जो कार्यशैली है पहले उससे अवगत कराया जाएगा। अगर डीएम साहब एक्शन लेते हैं तो ठीक है, नहीं लेते हैं तो किसान सड़क पर आएगा।